हल्दी के बहुत से फ़ायदे हैं लेकिन जब हल्दी को गर्म किया जाता है तो इसके बहुत से गजाई अज्जा ख़त्म हो जाते हैं हमें खानों में इस्तेमाल होने वाली हल्दी का आधा फायदा होता है इसलिए हल्दी से पूरा पूरा फायदा हासिल करने के लिए ऑर्गेनिक और कच्ची हल्दी भी इस्तेमाल किया करें हमारे जिसम में कहीं पर भी सोझ हो जाए तो हल्दी उसके लिए बहुत बेनिफिशियल है हल्दी एंटी कैंसर प्रॉपर्टीज रखती है हमें कैंसर से बचाती है हल्दी के नुकसान ना होने के बराबर हैं लेकिन कुछ लोगों को हल्दी के ज्यादा इस्तेमाल से मैदे के मसाइल का सामना करना पड़ सकता है हल्दी एंटी है और हमारे जिसम के ग्लूटाथाइन को बढ़ाती है यानी हमारे जिसम में सफाई का काम करती है फासिद मादों को हमारे जिसम से निकालती है हल्दी दिमाग और पट्ठों के निज़ाम के लिए बहुत मुफीद है हल्दी भूलने की बीमारी को ख़त्म करती है हल्दी दिमाग की नालियों को खोलती है और वहाँ पे ब्लॉकेज से बचाती है हल्दी हमारे खून की नालियों में से चर्बी को कम करती है और इस तरह ये हमारा हाई ब्लड प्रेशर भी कम कर देती है हल्दी खून की नालियों को बंद होने से रोकती है ब्लॉक होने से रोकती है हल्दी एंटीबैक्टीरियल है यानी हमारे जिसम में बीमारियां फैलाने वाले जरासीमों को मारती है हल्दी एंटीवायरल है यानी हमारे जिसम में बीमारियां फैलाने वाले वायरसेस को मारती है जो कि नजला जुकाम और कोरोना वायरस वगैरह फैलाते हैं हल्दी एंटी फंगल है यानी फंगस पैदा करने वाले जरासीमों को मारती है जो कि हमारे जुबान को सफेद कर देते हैं हमारे सर में सिकरी आ जाती है और हमें जल्द का फंगल इन्फेक्शन हो जाता है हल्दी एंटी पैरासाइटिक है यानी हमारी बड़ी आंत में कीड़े पैदा हो जाते हैं जो कि हमारी पखाने की जगह पे खुजली का सबब बनते हैं हल्दी इन कीड़ों से हमें बचाती है हल्दी एंटी एचपाइलोरी है यानी यह हमें मेदे के जख्मों से बचाती है हल्दी हमारी स्किन के लिए बहुत मुफीद है हमें स्किन के इन्फेक्शन और स्किन की दूसरी बीमारियों से बचाती है हल्दी जिगर की चर्बी को कम करती है और इस तरह जिगर की सोजिश को भी कम करती है हल्दी हमारे बाइल साल्ट्स को बढ़ाती है यानी हमारे हाजमे के निज़ाम को बेहतर करती है और जो हम खुराक खाते हैं उसमें से ज़्यादा से ज़्यादा वजाय अज्जा और ताकत निकाल के हमारे जिसम को फराहम करती है हल्दी गट मक्यूजल लाइनिंग को सपोर्ट करती है जिससे हमें एलर्जीज नहीं होती हल्दी हमारे जिसम में मौजूद उन सेल्स को खत्म कर देती है जो कि डैमेज हो चुके होते हैं खराब हो चुके होते हैं और इस तरह से ये हमें कैंसर से बचाती है जब किसी को कैंसर हो चुका होता है और उसे श्वाएं लग रही होती हैं कीमोथेरेपी हो रही होती है तो हल्दी उन शुआओं से हमारे सेहतमंद सेल्स को बचाती है हल्दी हमारे शुगर के निजाम को डायबिटीज़ के निजाम को बेहतर बनाती है हल्दी हमें कई तरह से परेशानी डिप्रेशन स्ट्रेस एंजाइटी वग़ैरह से बचाती है हल्दी दिमागी बीमारियों को ठीक करती है और हमारे मूड को बेहतर बनाती है ये हमारे जिसम में बहुत से ऐसे होने वाले अवामिल को रोकती है जो कि कैंसर का सबब बनते हैं हल्दी पूरे जिसम में होने वाली सोजिश को कम करती है इन्फ्लामेशन को कम करती है आप रोज़ाना हल्दी का इस्तेमाल एक छोटी चाय की चमची कर सकते हैं बाजार से पिसी हुई हल्दी ना खरीदें बल्कि हल्दी को खुद पिसवा कर फिर इस्तेमाल करें अगर हल्दी के साथ काली मिर्च या सफ़ेद मिर्च को शामिल कर लिया जाए तो हल्दी के फवायद कई गुना तक बढ़ जाते हैं क्योंकि काली मिर्च और सफेद मिर्च हल्दी को हमारे जिसम में जजब करती है एब्जॉर्ब करती है इसके अलावा भी हल्दी के बहुत से फायदे हैं जो कि सारे के सारे इस वीडियो में नहीं बताए जा सकते वीडियो को दूसरों तक शेयर करें लाइक करें चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें अल्लाह हम सब का हम नासिर हो